अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप डेली का बासानी माइनिंग के थ्रू इजली माइनिंग है विड्रावल है डेली आप 1 से लेकर 5 डॉलर बासानी कमा सकते हैं। इसके लिए मतलब ये अनलिमिटेड अर्निंग भी हो सकती है अगर आपके पास मोबाइल अच्छा है आपके पास नंबर बहुत ज़्यादा है वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो मैंने खुद यूज़ किया जो मेरे अपनी क्या कहते हैं कुछ दिनों की इस पर रिसर्च 1-2 वीक से उसके यही है कि 1 से 5 डॉलर बंदा बासानी कमा सकता है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपके पास टेलीग्राम होना ज़रूरी है, ठीक है। आप क्या करें, आप जाएँ सिंपली प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप सिंपल टेलीग्राम कर लें या फिर टेलीग्राम एक्स कर लें। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं टेलीग्राम एक्स यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें आप अनलिमिटेड नंबर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कर इस पर अकाउंट बना लें, ठीक है, क्योंकि जो इसका बूट है वो चलेगा आपके टेलीग्राम के थ्रू। बाकी इसकी ऐप भी है, उसके बाद मज़ीद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम बनाने के बाद सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना, इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपको ये टेलीग्राम में ओपन कर देगा। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपने उस लिंक पे क्लिक किया आपको टेलीग्राम में लेके आ चुका है। यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, जो नीचे स्टार्ट बटन बना हुआ है इस पर आपने क्लिक कर देना, ठीक। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपने ये वाला चैनल इनका ज्वाइन करके यहाँ पे इनका डेली कोड जो है वो इधर ही आएगा, ठीक। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना नोट ऐड पर। उसके बाद यहाँ पर आपने इसे यहाँ से ज्वाइन कर लेना क्योंकि डेली कोड आपका यहीं पर मिलेगा, ठीक। ज्वाइन करने के बाद अब आप इस पर होल मैसेज पे क्लिक करें, ठीक है। मैं होल मैसेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये आपका कोड है, ये वाला कोड आपने किसमें सेंड करना है, ये इसमें अनवर्ट ड्रॉपबॉक्स में सेंड करें, ठीक है। मैं वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद यहाँ पे मैं वो कोड शेयर कर देता हूँ 463। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो माइनिंग है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इधर से माइनिंग का स्टेटस निकालने का, सिंपल आप इस पर माइनर पे क्लिक करोगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद आपने सिंपल इधर मेन्यू पर क्लिक करना है। ये मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये पहले आना, इस पर क्लिक कर देना माइनर पर। अब माइनर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखे आपका जो बैलेंस है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है टेलीग्राम के कितने, ठीक। अभी यहाँ पे आपको देखो आपको एड्रेस ये 00 शो हो रहा है, नॉट अवेलेबल शो हो रहा है, ठीक। अब आपने इस पर एड्रेस लिंक कैसे करना है उसका, तो नेक्स्ट बात आती है हमारी कि हमने इस पर वॉलेट किस तरह बनाना है। जाहिर सी बात है जहाँ पर हमने ये रिसीव करना है उसके लिए वॉलेट चाहिए होगा। वॉलेट पे वॉलेट बनाने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपने वो लिंक क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे, ठीक। आपने इस तरह डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बनाने के बाद आपने दूसरे लिंक पे क्लिक करना है। तो इसका अपने एक वॉलेट है अनोट वॉलेट, ठीक है। आप उस वॉलेट बनाने का सिंपल आपने क्या करना है, ये लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वॉलेट का app.anotdao.com। इस पर आ जाना है। यहाँ पर आप सिंपल जिस तरह मेटामास्क का वॉलेट बनाते हैं यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ये जगह पासवर्ड डालोगे, फिर अगेन वही पासवर्ड डालोगे, फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करें। मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद सिंपल मैं रजिस्टर पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं रजिस्टर पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली है ना ये बन जाएगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे कनेक्ट टेलीग्राम पे क्लिक कर देना। मैं सिंपल कनेक्ट टेलीग्राम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपको जो टेलीग्राम है ना आपको उसी आपके टेलीग्राम में ले जाएगा। मैं टेलीग्राम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका जो वॉलेट वो सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। अगेन अब आप यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करेंगे, मैं मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करेंगे माइनर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें आपका यहाँ पर एड्रेस शो हो रहा है। ये देखें पहले यहाँ पे एड्रेस नोट अवेलेबल था, मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें इसमें देखें एड्रेस नहीं था, यहाँ पे देखें आपको एड्रेस मिल चुका है, ठीक। अब यहाँ पे आपका रेफरल टोटल 0, बाकी स्टैट भी आपको दिखा देता हूँ। अब आप मैं इस गेमिंग की अर्निंग बताता हूँ कि ये देखा अगर माइनिंग करेंगे इससे तो आपको डेली इसका माइनर टेलीग्राम के कुछ अर्निंग आती है, लेकिन असल अर्निंग जो होती है ना वो आपको मोबाइल से आती है या फिर आपने रेफ़र करेंगे तो उससे आपको असल अर्निंग मिलेगी। अब वो भी आपको मैं बता दूंगा कि आपने किस तरह रेफ़र वगैरह करना है, ठीक है। अब इसकी मोबाइल माइनिंग ऐप देखते हैं वो कैसे सेटअप करें, ठीक है। सिंपल उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बता दूँगा, आपने उस पर आ जाना है। तो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट आपको नीचे मिल जाएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप सिंपल क्लिक कर तो डाउनलोड पे क्लिक कर देना, इनकी जो मोबाइल ऐप वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं सिंपल क्लिक कर तो डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने डाउनलोड एनी वे पर क्लिक कर देना, मैं डिटेल में चला जाता हूँ। ये छोटी सी ऐप है, टोटल 2.23 MB के ये डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड होकर सिंपल आपने क्या करें, इसे इंस्टॉल कर लेना। मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिंपल आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना। तो ये ऐप इंस्टॉल होने में इतना टाइम ही नहीं लगता, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। यहाँ पे वेट कर लें। आई थिंक मेरी ऐप सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरी ऐप यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। देखें
ये मेरी ऐप सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। मैं सिंपल इसे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपने जो वॉलेट बनाया था उसकी सीड फ्रीज आपको यहाँ पे इंटर करने पे, वो सीड फ्रीज आपको कहाँ पे मिलेगी? सिंपल आपने क्या करना है, जिस वॉलेट में आपने, जिस ब्राउज़र में अकाउंट बनाया था ना, वो ओपन कर ले। मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा वॉलेट है। यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, ये जो सेटिंग का बटन है आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं सेटिंग के बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, शो वर्ड्स पे क्लिक करना है। मैं शो वर्ड्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फ्रेज़ है यहाँ पे सारा कुछ शो हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने अगेन अपना जो माइनर है वो ओपन कर लेना। माइनर ओपन करने के बाद वही सारे वर्ड यहाँ पेस्ट कर देने। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सेड फ्रीज पर क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखा आपका जो माइनिंग है ना, ये हेल्थ 100%। अब ये माइनिंग आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, अभी मेरी ऑन है, मैं पहले से क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, जो मेरी माइनिंग है ना, जब रेड हो इसका मतलब नहीं है। ये देखें यहाँ पे सर्कल शुरू हो गया, मतलब आपकी माइनिंग ऑन है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, इधर इधर आपको आपका एड्रेस शो हो जाएगा कि आपने कौन सा वॉलेट इसमें अटैच किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये वाला मेरा एड्रेस है, ये मेरा बैलेंस यहाँ पर 0-0 शो कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। एक बार आपने क्या करना है, इसे माइनर को ऑन करने के बाद एक बार यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। ये स्टॉप करके, स्टॉप करने के बाद इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद अगेन ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप जब आप अगेन यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे रेफर लिंक शो हो जाएगा, मतलब आपका माइनर से इतना एक्टिव है। अब कुछ मोबाइल में सेटिंग होती है, ऐप ऑप्टिमाइज़र लगा, जिस वजह से आपका जो माइनर है वो खुद ब खुद बैकग्राउंड पे चलता नहीं है, क्योंकि जब तक आपका इंटरनेट कनेक्शन माइनर ऑन रहेगा तब तक आपकी अर्निंग होगी, नहीं तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। फिर आप लोग कहोगे कि यार हमारी अर्निंग नहीं हो रही, माइनर भी हम चलाते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको ऐप ऑप्टिमाइज़र से हटा दें, ठीक है। इसका सिंपल सा तरीका, आप मोबाइल के सेटिंग में चले जाएँ। मैं मोबाइल के सेटिंग ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद अब यहाँ पे काफ़ी तरीके होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप ऑप्टिमाइजेशन, या सिंपल आप ऑप्टिमाइजेशन सर्च कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप ऑप्टिमाइजेशन सर्च करें, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए। आई थिंक यहाँ पे ये ऐसे, मुझे यहाँ पे ऐप ऑप्टिमाइजेशन का नहीं मिल रहा। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपल ऐप्स में चले जाएँ, आपको जितनी भी ऐप्स हैं ना, मैं यहाँ सिंपल बैक पे आ जाता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है अपनी ऐप्स में। आजकल तो सभी एंड्रॉइड में ये ऑप्शन आता है। ऐप्स में चले जाएं। ऐप्स में जाने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, ये आपके मैनेज ऐप्स में चले जाना है। मैनेज ऐप्स में आने के बाद आपने अपना जो एंट है वो यहाँ पे सर्च कर लें, ऊपर एंट माइनर होगा जो भी इसका नाम है। मैं यहाँ पर एंट सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरा ये एंट माइनर यहाँ पे शो हो चुका है। मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको ये शो हो रहा होगा बैटरी सेवर का ऑप्शन, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पहला ऑप्शन है ना, नो रिस्ट्रिक्शंस, आपने इस पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, आपका माइनर बैकग्राउंड पर वर्क करता रहेगा, ठीक है। बाकी आप इसे ऑटो स्टार्ट भी कर सकते हैं, मतलब जैसे आपका मोबाइल हो ये खुद ब खुद बैकग्राउंड पर रनिंग शुरू कर दे। अगर आप हर वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते तो ये ऑप्शन भी बेस्ट है, ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर डेली अर्निंग कितनी होगी, रेफ़र कहाँ से करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी एक दिन की अर्निंग कितनी है। मैं यहाँ पे माइनर अपना ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा ये एक दिन पहले मैंने ज्वाइन किया था कल टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो मेरी डेली अर्निंग है विदाउट एनी रेफर, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप माइनिंग और मोबाइल ऐप माइनिंग, वो मुझे मिला 0.033 इन नोट, ठीक है, समथिंग, ठीक है। अब बात करते हैं रेफर के साथ आपकी कितनी अर्निंग होगी। मैं सिंपल से क्रॉस कर लेता हूँ, मैं विद रेफर आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा दो दिन से माइनर आन, इसमें मैंने रेफ़र किया। तो यहाँ पर देखे, जो मेरे रेफ़र के साथ अर्निंग है डेली, मुझे मिल जाता है तकरीबन 0.58 से लेकर 0.6 तक इजीली मिल जाता है मेरी अपने मेरे रेफर्स के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने खुद टेस्टिंग के लिए टोटल 7 यूज़र ऐड किए, वो भी सिर्फ टेलीग्राम पे। अगर वो मेरे जितने भी यूज़र, अगर मैं 10 से 15 यूज़र आपने नीचे ऐड कर लेता हूँ, वो टेलीग्राम प्लस मोबाइल ऐप माइनिंग करते, तो मेरे डेली का 1 अनोट आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम आप इस पे जो एक अकाउंट पे ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ एक अनोट डेली का कमा सकते हैं। अब जाहिर सी बात, हमने तो मल्टीपल डिफरेंट, मतलब हमने 1 से 5 बनाए। अब आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ कि इसकी प्राइस कितनी है।
तो मैं सिंपल आ जाऊंगा इनका जो मेन ऑफिशियल अकाउंट है उसमें। मैं यहाँ पर आपको इसी का ऑफिशियल अकाउंट भी दिखा देता हूँ जहाँ पे आप इनके अपडेट्स वगैरह मिलेंगे, और आपको तरीका बता दूँ कि इनका जो कॉइन है वो लिस्टेड कहाँ पे। अब यहाँ पे नोट बोर्ड में आएंगे तो यहाँ पे नोट डो इनका ग्रुप है, ये आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपको इधर ही इनका मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे प्राइस दिखा देते हैं, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करना है। स्टेट पे क्लिक करेंगे तो अभी इसकी जो प्राइस चाली वो 0.76 चाली, ठीक है। मैं आपको उसका लाइव चार्ट दिखा देता हूँ, ये कितना ऊपर का कितना नीचे का, कब इसकी कितनी प्राइस रही है। तो यहाँ पे देखिए ये है इसकी लाइव प्राइस, ये आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप इस पर जाकर से ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कॉइन दो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड भी है, जिनमें यहाँ पे देखिए एक तो ये पैनकेक स्वैप है और दूसरा यहाँ पे यूनिस्वैप है, इन दोनों पे लिस्टेड है, आप दोनों पे जाके इसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें इसका जो लिक्विडिटी है $54 आप ये यूनिस्वैप पे, और उसके बाद $59 इसका ये पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी है, मतलब आप डेली का $59 एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब $59 आप इजीली कैश कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह आप इसे कर सकते हैं, दूसरे ट्रेड कैसे करेंगे, उसके बाद विड्रा कैसे लेंगे। बाकी एक तरीका लास्ट चीज़ रहेगी थी कि आपने क्या करना है, रेफ़र कैसे करना है। रेफ़र का सिंपल आप नोट ऐड में आओगे, यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें गेट योर रेफ़र लिंक, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो रेफ़र लिंक है वो ये मिल जाएगा, ये आपने शेयर करना है दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ। अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर हैं तो आप खुद ही ये बना सकते हैं, अपने नीचे रेफ़र बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम एक्स यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राफ यूज़ कर सकते हैं, इनमें आप मल्टीपल अकाउंट एट अ टाइम टेलीग्राम के चला सकते हैं। अगर सिंपल टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम में सिंपल आपको तीन अकाउंट मिलते हैं, तीन अकाउंट से ज़्यादा आप उसमें ऐड नहीं कर पाते। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा, ये आपको मैंने लाइव दिखा दिया। अगर आपको मैं इसकी प्राइजेज़ बताऊँ कितनी रही हैं, तो यहाँ पर देखें इस पर ट्रेड हो भी रहा है, ये कुछ लोग कहते हैं ट्रेडिंग नहीं हो रहा, ये देखें आज एक बंदे ने ये सेल किया, ठीक है। उसके बाद ये 25 तारीख है, ये देखें यहाँ पर इसकी टोटल हिस्ट्री कब किसने क्या किया, बाय किया सेल किया, यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग हो रही है। ये नहीं कि ये, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कैसे आपने ये ट्रेड करना है, मतलब कैसे सेल करने से आपने। तो यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा मैं इसका टाइम ड्यूरेशन कम करता हूँ ताकि आपको इसकी लाइव प्राइजेस शो हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी मैक्सिमम प्राइस की ये यहाँ पे देखिए आप इसकी प्राइस ये $4.5 तक भी जा चुका है, मतलब $4.3 तक ये मैक्सिमम जा चुका है। मैं मज़ीद थोड़े से डाउन करके यहाँ पे आप खुद भी आप एनालाइज कर सकते हो, ये देखें इसकी ये डेली प्राइस जो ना $1 से ऊपर जाती है, ये देखें ये कल इसकी प्राइस ये गई है इसकी $1.27 पे, ये कल इसकी $0.96 पे, $1.1 पे थी, अभी इसकी डाउन आ रही है। यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस अप डाउन होती रहती है, यहाँ पे देखें ये इसकी प्राइस इधर से गिरी है $4.3 से, क्योंकि ज़्यादा बात अभी भी लिस्ट हुआ है, इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, जिस वजह से काफ़ी लोग बाय सेल कर रहे हैं, कुछ बाय करते कुछ सेल करते, इस वजह से प्राइस इसकी अप डाउन होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपने नीचे 15 रेफर आसानी से बना सकते हो एक अकाउंट के नीचे, तो डेली आपका एक नोट मिलेगा जिसकी अभी की प्राइस देखे जाए तो $0.7 मिली, ठीक है। अगर आप मैं 5 अकाउंट बना ले तो जिनके नीचे 15 रेफर बना ले तो डेली आप 5 नोट कमा सकते हो ईज़िली, और उसके आप 0.7 के हिसाब से आप लगा सकते हो डेली। अगर हम अप्रोक्सीमेटली इसका $1 भी लगा लें तो डेली के आपके $5 ईजिली बन सकते हैं। बाकी मैक्सिमम अर्निंग के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप इसको इसके रेफर बनाएं और उन्हें भी बताएँ कि वो जो माइनर है ना मोबाइल माइनर वो मैक्सिमम यूज़ करें, जितना ज़्यादा मोबाइल माइनर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, जो इसकी बाकी डिटेल्स है ये आपको मैं सेंड कर दूँगा, अगर आप इसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं। यहाँ पे देखिए आपको रेफ़र वार्ड का पता चल जाएगा, रेफ़र वार्ड कितना है, तो इसका टोटल 25% आपको रेफ़र वार्ड में, ये देखें ये 25% इसकी डेली अर्निंग आपको मिलेगी आप जितने रेफ़र करोगे। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह इसका विड्रॉ लेना है, किस तरह इसे आप मतलब डिपॉजिट करोगे अपने ट्रस्ट वाले या मेटामास्क में, और किस तरह आपने इसका जो नेटवर्क है ऐड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।